दोस्तों आज हम आए हैं ओल्ड दिल्ली के अल यामीन रेस्टोरेंट में और यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं इनका सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला 9 आइटम्स का नॉनवेज प्लेटर। जी हाँ दोस्तों, इसमें स्नैक्स और ग्रेवी दोनों तरीके की आइटम्स होती हैं। यहाँ पे हर एक आइटम दोस्तों बिल्कुल फ्रेशली रेडी किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बड़े से तवे के ऊपर चिकन चंगेजी बनाया जा रहा है और इसकी जो खुशबू है बड़ी ही लाजवाब आ रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पे सारी चीजें फ्रेशली रेडी की जाती हैं। तो यहाँ पे तैयार किया जा रहा है दोस्तों चिकन कबाब। सबसे पहले चिकन लेने के बाद उस पर डाला गया है धनिया, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन, और उसके ऊपर से दोस्तों डाले जा रहे हैं सारे तरीके के मसाले जो कबाब को असली स्वाद देते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से देखते हैं 9 आइटम्स का फ्लेवरफुल प्लेटर या आखिर किस तरीके से लगाया जाता है और कैसा है उसका स्वाद। चलिए दोस्तों, अभी हमारे साथ है आमिर जी, जो कि हमें ना नॉनवेज कॉम्बो प्लेटर जो है वो लगा के दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या लगा रहे हैं हम भाई? लगा रहे तंदूरी और भर्रा। तंदूरी भर्रा क्या मेरा भाई? तंदूरी, इसमें 2 पीस तंदूरी बने और 2 पीस भर्रा। अच्छा। और एक एक लस्सानी तंगड़ी और ये भाई मलाई तंगड़ी। अच्छा, ये सारी चीजें पहले सीख में जाएंगी तंदूर में? पहले तंदूर में आएंगे, रोस्ट होंगे, फिर अच्छा प्लेटर में लगा के दिखाते हैं भाई आपको। ये लग गई हमारी सारी टंगड़ी और पीसेस और ये जा रही है तंदूर। ये देखिए दोस्तों, ये लगाया जा रहा है चिकन सीख कबाब। और स्पीड चेक करो जरा किस तरीके से फटाफट इन्होंने जो है सीख पे लगा दिया है कबाब को। और ये देखो बहुत बढ़िया। तो ये कितनी देर में पक जाता है भैया? 2 से 3 मिनट में कोयले की आंच पे इसको पकाया जाता है दोस्तों। ये लस्सानी तंगड़ी भाई। ओके, हल्की सी स्पाइसी होती है भाई। तो ये मसाला जो डाला था आपने क्या है वो? ये चाट मसाला है भाई। चाट मसाला जी भाई। ओके, और ये ऊपर से डाला था बटर और ये हमारा तैयार हो गया है। ये भाई ये तैयार हो गया। ये अरे भाई मलाई तंगड़ी। मलाई तंगड़ी क्या बात है दोस्तों, दोनों का टेक्सचर भी दोनों डिफरेंट है बिल्कुल। और ये आ गया, अच्छा इसमें क्रीम जाएगा, क्या बात है। ये हल्के से मिलना, मामूली से बटर ना भाई, बहुत बढ़िया। तो ये देखिए दोस्तों, ये हो गई हमारी तैयार दूसरी आइटम मलाई टंगड़ी, क्या बात है। ये भाई 2 पीस बर्रा। बर्रा अरे भाई, हल्के से प्याज। ओके, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया और हल्का सा नींबू भाई, क्या बात है। और ये गया ऊपर से हल्का सा बटर। हल्का सा बटर भाई, बहुत बढ़िया। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारी तीसरी आइटम जो बर्रा है वो भी तैयार हो चुका है, बहुत बढ़िया। और पूरे प्लेटर में 9 आइटम होने वाले हैं ना? 9 आइटम, क्या बात है। अरे भाई 2 पीस तंदूरी। तंदूरी चिकन जी, वाह। तंदूरी दोस्तों मेरे ख्याल से हल्का सा बस ऐसे ही जाता है ये तो, है ना? हाँ ये बस हल्का सा ही, हल्का सा बटर लगाया, बहुत। ये लीजिए भाई, क्या हो गया भाई तंदूरी। ये रहे भाई सीख कबाब, दो चिकन भी हमने रखे थे कोयले पे। तो ये भी हमारे बिल्कुल गर्मा गर्म तैयार हो चुके हैं दोस्तों, ये देखो क्या बात है। और जैसे जैसे दोस्तों हमारा जो प्लेटर है ना वो भरते जा रहा है ना भाई, मेरे को ना बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है देखने में, बहुत बढ़िया। तो अब क्या जाएगा इसके अंदर भाई? बिरयानी जाएगी, बटर चिकन, कढ़ाई चिकन, चंगेज़ी। ये आ गई दोस्तों बिरयानी, क्या बात है। ये देखिए बहुत बढ़िया, ये आ गई हमारी चिकन बिरयानी, बिल्कुल कलरफुल जिस तरीके से बिरयानी होनी चाहिए। ये भाई ये चंगेज़ी है, चंगेजी चिकन जी भाई, ये चंगेजी। बिल्कुल दोस्तों, चंगेजी चिकन हमने बनते हुए भी देखा था, बड़ा मज़ेदार है। ये देखो बिल्कुल गर्मा गर्म अभी भी बन के आया और ये लग गया हमारे प्लेटर के अंदर। ये भाई बटर चिकन, बहुत बढ़िया। देख सकते हो दोस्तों ग्रेवी चेकआउट करो जरा बटर चिकन की, बड़ी मजे वाली। तो इसमें भी 2 पीस जाते हैं? हाँ भाई, सब में 2-2 पीस। अच्छा, थाई बोल रहे से भाई। ये भाई कढ़ाई चिकन। कढ़ाई चिकन जी भाई, उसका कलर बहुत। ये प्लेटर रेडी है भाई, अब बिल्कुल रेडी खाने के लिए जी भाई, बिल्कुल। क्या बात है दोस्तों, ये देखिए हमारा जो प्लेटर है वो लग गया है और बड़ा ही लाजवाब है, पूरा फुल देख सकते हो आप किस तरीके से पूरी जो थाली है ना भर दी है। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं और वेट नहीं करेंगे ज़्यादा, है ना। ये प्लेटर तो है ही, उनके साथ में इन्होंने मुझे यहाँ पर रुमाली रोटी भी सर्व करी हुई है, तो जो ग्रेवी आइटम्स है ना वो खाने में और मज़ा आएगा, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों लहसुनी, है ना, लहसुनी बेसिकली जो होता है लहसुन का फ्लेवर वाला जो टंगड़ी होती है हमारी चिकन वाली, वो ट्राई करते हैं। आ जाओ
ये देखो अच्छे से ना बटर में डिप करते हैं और टेक्सचर चेक करो दोस्तों। सारी चीज़ों को ना पहले तंदूर में अच्छे से पकाया गया, ग्रिल किया गया और उसके बाद उसको प्लेटर में डाला गया बटर के साथ, है ना। तो जो मैरिनेशन थी वो भी मैंने आपको दिखाई किस तरीके से की हुई थी, और आओ इसको खा के देखते हैं कैसा है ना। फ्लेवर जो है काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी स्पाइसी है दोस्तों। ये जो लहसुन का एक फ्लेवर होता है ना वो प्रॉपर आ रहा है और स्पाइसीनेस में ना बहुत ज़बरदस्त आई है दोस्तों, बड़े मज़े की है। और दोस्तों ये एक और चीज़ आपको बताता हूँ, ये जो पूरा प्लेटर है ना वो 550 रुपीज़ का है, मगर 550 रुपीज़ में ना आपको जो चीज़ें मिल रही, जैसे कि चिकन है वो मेरे ख्याल से 12 से 14 पीसेस चिकन मिल रहा है, जैसे कि आप तीन तरीके की तो टंगड़ियाँ ही देख सकते हैं, फिर दो दो पीस आपको ग्रेवी में भी सारी मिलती हैं। तो भाई पैसा जो है ना वो फुल वसूल है, कबाब भी है, बिरयानी भी है ना, हर एक आइटम है। तो आओ दूसरी आइटम चेक करते हैं और वो करते हैं ये वाली मलाई वाली, है ना, क्योंकि अभी अभी स्पाइसी खाई ना तो भाई हल्का हल्का जो मिर्च है वो ज़बान पर लग रही है। तो एक बार ये मलाई वाला टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा। बिल्कुल क्रीमी स्मूथ और जो फ्लेवर है ना काफ़ी मज़े का है दोस्तों। क्यों इतना जो चिकन है ना वो फ्लेवरफुल लग रहा है, क्योंकि जो पीसेस आप चेक कर सकते हो, ये देखो कितना छोटा पीस है, देख रहे हो। छोटे पीस में क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, एक तो पकता जल्दी है और इसमें ना जो हार्डनेस होती है वो नहीं होती, क्योंकि बड़े पीसेस क्या होते हैं ना काफ़ी हार्ड हो जाते हैं पकाते हुए तंदूर में, मगर जो छोटे होते हैं ना वो बिल्कुल जूसी होते हैं। देखो कबाब, देखो क्या मज़े का कबाब है, बिल्कुल सॉफ्ट है, अच्छे से टूट रहा है और मेरे सामने ही दोस्तों इसको मिंस किया गया था, अच्छे से उसमें मसाले और सारी चीज़ें डाली गई थी। तो इसको भी टेस्ट करते हैं। चिकन का अच्छा फ्लेवर है, स्पाइसी हल्का था और जैसे बटर में डिप कर दिया ना उस वजह से क्या हुआ, सॉफ्टनेस जो है ना वो आ गई इसके ऊपर और काफ़ी अच्छा स्मूथ है दोस्तों। ये देखो आप टेक्सचर बिल्कुल बढ़िया तरीके का, और जो फ्लेवर है ना फुल ऑन चिकन का आ रहा है दोस्तों। ये बर्रा ट्राई करते हैं जिसमें ना अच्छे से मिर्च भी डाली गई है, प्याज भी डाले गए हैं और जो चिकन के दो पीसेज हैं वो भी डालेंगे। ये देखो और इसका देखो, देखो चिकन कितना सॉफ्ट है, कितना टेंडर है कि आसानी से ये टूट जाता है दोस्तों। ये देखो है ना मज़े का। तो ये हल्का सा लगाते हैं प्याज मिर्च और बाइट लेते हैं। अगली चीज़ में क्रीम डाली गई थी और ना हल्के से इसमें खटास है, प्याज और जब मिर्च मिलाया ना इसके साथ जो फ्लेवर है बड़ा ही लाजवाब हो गया, बहुत मज़ेदार। ये हम लेते हैं रुमाली रोटी, और रोटी की खास बात क्या होती है ना दोस्तों, ये देखो कितना पतला है यहाँ का, देख रहे हो बिल्कुल, तभी इसको रुमाली रोटी कहा जाता है, बहुत मज़ेदार। ये लगाते हैं दोस्तों थोड़ी सी ग्रेवी, ये देखो वाह, और अब बाइट लेके देखते हैं कैसा लग रहा है ना। बहुत बढ़िया, चिकन चंगेजी ना दोस्तों हमेशा खट्टी सी होती है, मतलब खटास होती है उसके अंदर, ऊपर से जो मसाले डाले गए थे, चाट मसाला भी डाला गया था है ना, आमचूर पाउडर ये डाला गया था, तो उसकी वजह से उसमें खटास आती है। और टमाटर ना भरपूर मात्रा में यूज़ किया जाता है, जितना टमाटर यूज़ किया जाता है ना उससे मेरे ख्याल से बहुत कम प्याज यूज़ किया जाता है, इसलिए इसकी जो ग्रेवी होती है ना खट्टी होती है। और दोस्तों साथ ही साथ ये जो इन्होंने कढ़ाई चिकन दिया है ना वो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, जब प्रेजेंटेशन है ना उसकी बहुत मज़े की है। देखिए इसमें ना प्याज तो डले ही डले हैं, मगर साथ ही साथ इसमें ना मेरे को शिमला मिर्च दिख रहा है और ये लाल वाली मिर्च देख रहे हो, ओ भाई साहब मज़े वाले। तो लेते हैं हम रुमाली रोटी और इसको डालते हैं दोस्तों, हल्की सी ग्रेवी लगाते हैं कढ़ाई चिकन की, ये देखो ग्रेवी लगाई, पीस भी लेते हैं थोड़ा सा ना। और दोस्तों मुझे ना ये खाने में मज़ा क्यों आ रहा है ना, क्योंकि जो चिकन के पीसेज हैं ना बिल्कुल सॉफ्ट हैं, अच्छे से कुक हो रखे हैं, तो जो जैसे हम उसको बाइट लेते हैं ना जूसेस के साथ जो पीसेज हैं वो टूटते हैं, मज़े वाला। तो आओ बाइट लेते हैं। शिमला मिर्च डली हुई है ना, शिमला मिर्च का ना एक अलग से फ्लेवर आता है वो आ रहा है अंदर, और साथ ही साथ जो ग्रेवी है वो इस वाली ग्रेवी से बिल्कुल डिफरेंट है, नमकीन है हल्की सी, बहुत मज़ेदार है, माइल्ड सी है, ज़्यादा तीखी नहीं है, स्पाइसी नहीं है, बहुत बढ़िया। द बटर चिकन, जी हाँ दोस्तों द बटर चिकन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बटर चिकन की ग्रेवी ना बहुत कम जगहों पे बढ़िया वाली मिलती है, तो उसको एक बार टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा है ना। और बटर चिकन दोस्तों हर बंदे को ना बहुत पसंद होता है, नॉन वेज लवर्स को। कटिंग
क्वालिटी सी है, जिस तरीके से बटर चिकन होना चाहिए ये भी खा के देखते हैं। दोस्तों रुमाली रोटी के साथ खाने में क्या फ़ायदा होता है अपन बताता हूँ। रुमाली रोटी है ना बहुत ही पतली होती है, जैसे वो खाते हैं ना तो हैवी नहीं लगती, बड़ी मज़े की लगती है। बटर चिकन बहुत ऑसम था। सारी चीज़ें दोस्तों मैंने अभी तक ट्राई करी, लगभग 8 आइटम मैं ट्राई कर चुका हूँ और लास्ट में हमारी आइटम बचती है ये बिरयानी। देखिए क्या ज़बरदस्त कलरफुल हमारी बिरयानी है वो तैयार हो रखी है और साथ ही साथ इसके जो चावल है ना वो बिल्कुल खिले खिले से दिख रहे हैं, है ना। तो एक बार बिरयानी की बाइट भी बनती है। और बिरयानी तो दोस्तों आपको पता ही है, मैं हमेशा कहता हूँ भाई हाथों से खाओ, पूरे निवाला मतलब इस तरीके से बाइट बनाओ। फ्लेवरफुल है, हल्की सी स्पाइसी है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, माइल्ड सी है, मसालेदार नहीं है, हल्की है, मगर बिरयानी जो है बहुत मज़े की। तो चलिए दोस्तों ये सारी चीज़ें ना अभी फिनिश करता हूँ क्योंकि बहुत चीज़ें हैं खाने को, है ना। तो एक एक करके सारी चीज़ें फिनिश करता हूँ और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये स्वाद के धमाके वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना, क्योंकि काफ़ी सारा स्वाद जो है ना इसमें अलग अलग डिफरेंट वो आपको मैंने दिखाया, सच बता रहा हूँ दोस्तों, आप भी यहाँ पे आइए। प्राइस इसकी 550 रुपीज़ जामा मस्जिद में पड़ता है दोस्तों, जो बेसिकली हमारा ओल्ड दिल्ली है ना वहाँ पे जहाँ हब है खाने का वहाँ पे है अली अमीन, यहाँ पे आइए। एड्रेस आपको प्रॉपर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए फूड इन्जॉय करिए और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आया। तो चलिए इस सबको फिनिश करता हूँ, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों ये स्वाद लेते हैं, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।